कैसे हैं आप सब। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज हमने निकाली अपनी ब्लैक पैंथर, चल इस जगह दिखाने जा रहा हूँ, चलो वहाँ चलते हैं। आज पीछे मैंने एक चीज़ देखी यार, फ्लाईओवर पे था, बाइक स्कूटी वाले चल रहे थे, पीछे गोलगप्पे वाला आ रहा था, बाइक वाले ने दे के मारा गोलगप्पे रेडी वाले पे, पूरे गोलगप्पे बिखर गए बेचारे के। अब क्या हो सकता है उसका। जी हमने पहन लिया हेलमेट, टोपी के बजे हेलमेट पहन लिया भाई। चलो भाई जैसे चल रहा है टोपी के हेलमेट पहन लो। जय भाई। से जा रहे हैं प्रगति मैदान, कुछ काम है तो गलती से मैंने पकड़ लिया सात मूर्ति वाला रूट। तो भाई वो वाला रूट तो भाई बहुत कन्फ्यूजन है मेरे लिए। तो भाई एक तो हर जगह सिक्योरिटी, हर जगह भाई जैसे भाई G20 आ रहा है उसमें तो सिक्योरिटी चल रही है, लगा सकते हो थोड़ा बहुत। यहाँ पे भूल भले ही लगता है मेरे को, इसलिए मैं यहाँ का आना प्रेफर बहुत करता नहीं हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, पहुँच गया इंडिया गेट भाई। किस तरफ पहुंच गया बस घूम फिर के। और ये देखो भाई सामने पूरी रोड साफ है भाई, और इस साइड आए हुए हैं लोग ही लोग, लोग घूमने आए हुए हैं। यहाँ पे पीछे भी आ रहे हैं लोग घूमने आए हुए हैं, और ज़्यादा नहीं है इस बार क्योंकि G20 का चल रहा है ना, इस चक्कर ज़्यादा नहीं है। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी, इतना होने के बाद भी इंडिया गेट पर इतना जाम है, दूर तक देखो हर जगह भाई पौधे लग रहे हैं, पौधे लग रहे हैं हर जगह, और जाम तो आपको पता ही है भाई दिल्ली का एज यूजल, जाम तो दिल्ली को वरदान है। हर जगह पौधे लगाए हैं, हर जगह लगते आ रहे हैं, हर जगह नए नए पौधे लगाए हैं। एक्चुअली क्या है, हम यहाँ पे आए थे प्रगति मैदान G20 का एक बार देखने कि भाई G20 में क्या क्या तैयारियाँ हो रही है। मैं काफ़ी दिनों सोच रहा था एक बार होके आऊँ, एक्सप्लोर करूँ क्या चीज़ है, तो आज फाइनली आई गया मैं। चलो दिखाता हूँ आपको आज। ये देखो भाई कितना सुंदर सजाया हुआ है, अच्छा लग रहा है यार। लाइटिंग में तो अच्छा लगेगा रात को। ये हमारी नीचे नीचे एंट्री, यहाँ से उस रोड पर जाएंगे, सुंदर बना रखा है, चमका रही है पूरी, बढ़िया भी भाई ये बात तो है, पूरी रोड क्लीन कर दी है, लग रहा है जैसे कोई अच्छी कंट्री में आ गए हो भाई। इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत करनी रह गई थी, एक बार डिजाइन पेंट सफेद कराए थे और बढ़िया थी पेंट कराए थे, अच्छा होता, बट कोई बात नहीं, जहाँ इतना होता है तो एक आधी मिस्टेक रह जाती है, साफ सफाई तो रखी है वही बहुत है भाई, मानते हो कि नहीं। जब कड़ा हूँ Gate No. 7 के पास, देखो हर देश के झंडे लगे हैं वहाँ पे, अंदर लाइटिंग लगी हुई है, फाउंटेन चल रहे हैं सही भाई, यहाँ भी फुल चेकिंग है। आगे दिखा रहा हूँ, देख सकते हो भाई इतना बढ़िया सजाया है ना, फाउंटेन लगा दिए हर जगह, पौधों के काम चल रहे हैं, अल्टीमेट कर रखा भाई, अल्टीमेट भाई के USA कनाडा में आ गए हो। यह हम Gate No. 6 के पास, यहाँ पुलिस की ब्रीफिंग चल रही है, देखो भाई फुल, ये देखो आपको पास से दिखा दूँगा, ये देखो पौधे, देखो पौधे चेक करो भाई, इतने रंग बिरंगे पौधे लगाए हुए हैं ना,
ये भाई ऐसे तो गार्डन गार्डन हो जाए, हर कोई आ गया है, फोटो वोटो खिंचवा रहा है, सेल्फी खिंचवा रहा है भाई। देखो ये भाई रहिए, देखो फोटो सेल्फी खिंचवा रहे भाई। मेरे को तो ये चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पे क्या ज़्यादातर हर जगह लगा रहे पौधे, तो अंदर पे भी काम चल रहा है। ये देखो अंदर भी काम चल रहा है अभी, और पौधे देखो यार, छोटे बड़े सब कमरे लगा रहे, सारे कमरे लग रहे, बोर्ड लग रहे, रोड ऐसी चकाचक सज रही है भाई कि पूछो मत कहाँ। ये रोड पहले कैसी थी और अब कैसी हो चुकी है, कोई कह नहीं सकता ये रोड पहले क्या थी और अब क्या हो चुकी है। ओ भाई, और ऐसी सारी रोड है ना दिल्ली की, तो भाई दिल्ली की हालत ही सुधर जाए। आया हूँ ये देखो किला, जिनको पता है उनको पता है, मगर इधर भी मैं नहीं जरा के देखा ना। ये देखो फाउंटेन लगा रखा है, देखो मैं ज़्यादा आगे इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि आगे हर जगह पुलिस वाले आर्मी वाले खड़े हैं। पुलिस वाले थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई चलो डी वीडियो बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आर्मी वाले और दूसरे वाले ना वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं थोड़ा वैसे बना रहा हूँ जितना हो सके ना। अभी तो मैंने पास एक्सप्लोर किया क्योंकि आर्मी वाले और दूसरे जो है ना वो तो सपोर्ट नहीं कर रहे, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने दे रहे। हाँ दिल्ली पुलिस थी और तो सपोर्ट कर रही कि भाई बना लो यार, ये तो वीडियो के लिए आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो बना सकती है, इसीलिए तो बनाए ये। तो मैं थोड़ा दोबारा राउंड मार के जा रहा हूँ, अब मैं थोड़ा देखता हूँ दूर से कैप्चर करता हूँ कितना आ सकता है, लास्ट टाइम मार के फिर चलते हैं। ये देखो अब का हमारा थोड़ा ये फ़ायदा होगा कि हाँ थोड़ी लाइटिंग साफ आएगी, थोड़ा व्यू अच्छा दिखेगा अब। ये देखो अंदर का व्यू भी दिख रहा है, ऑसम यार ऑसम, एक नंबर लग रहा है। भाई काम चल रहा है यहाँ पे बढ़िया बढ़िया, और पुलिस वाले तो पूछो मत। ये चेक करो पौधे, वो अभी तक पानी दे रहा है भाई वहाँ पे, पौधों की तो भाई भरमार लगा दी है पूरी। चल निकलते हैं अब यहाँ से, अब आगे भी दिखाता हूँ आपको आगे क्या चीज़ है, आगे क्या व्यू पड़ते हैं वो दिखाता हूँ। G20 इंडिया, जितना मर्जी रोक लो हम तो वीडियो बनाएंगे रोक लो हम तो बनाएंगे। और ऐसी सारे रोड जा रहे दिल्ली की, ऐसी सफाइयाँ हो जा रही, ऐसे पौधे लग जा रहे दिल्ली में, पूरी दिल्ली में। ये भी कुछ कुछ जगह लग रहे हैं जहाँ पे वीआईपी आएंगे, पूरी दिल्ली में लग जाए तो भाई जन्नत है जन्नत। ये तो अभी क्या है G20 के यहाँ पे, तो फिर क्या क्या 20 हो जाएंगे, एक नंबर हो जाएगी दिल्ली, एक नंबर सबसे टॉप पे जाएगी दिल्ली। अगर भाई वही बात है, जब तक वीआईपी आएंगे तब तक दिल्ली सजेगी, अभी भी इसको मेंटेन रखें ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेंटेन में रख लें वो भी बहुत है कि ना। मस्त फीलिंग आ गई, ये कहते हैं फीलिंग आना, वो फीलिंग आ गई।
बाकी जो जो वीडियो देखेगा मुझे प्लीज कमेंट जरूर करना कौन सी चीज बेस्ट लगी, एक बार कमेंट में जरूर बताना मुझे। One hour later. भाई के पास और भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया। और सुनाओ, हो गए जिम? होगी। कहाँ था आज? आज भाई गए हुए थे हम प्रगति मैदान। क्या कर रहे? हम गए हुए थे भाई ब्लॉग बनाने। बन गया? हाँ। कितना मिनट बना के लाया? क्या बोला तूने? कितना मिनट का बनाया? मतलब गल है कि भाई जो भाई पहली बात तो ये है भाई पुलिस वाले वहाँ पे खड़े होने नहीं दे रहे। उसके बाद फिर कुछ पुलिस वाले तो फिर भी थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि भाई खड़े होने दो, कोई बात नहीं वीडियो बना दो। आर्मी वाले बिल्कुल खड़े नहीं होने दे रहे। वही दिक्कत थी। पुलिस वाले को एक दो बार रिक्वेस्ट भी करी तो उन्होंने कहा चलो बना लो यार वीडियो, आपके लिए ये आपके लिए बन रही है, आपके लिए सब कुछ हो रहा है। ब्लॉगरों के लिए नहीं, मतलब की जनता के लिए। अच्छा, मुझे लगा ब्लॉगरों के लिए। नहीं, ब्लॉगरों के लिए नहीं भाई, जनता के लिए। मतलब की आपके लिए तो बोला तो ब्लॉगर समझा मैंने। नहीं भाई, ब्लॉगर तो क्या, जनता के लिए भाई। अच्छा, तो बना लाया मतलब? हो गया। हाँ, बना लाया। बाकी आपको कैसा लगे मुझे एक बार कमेंट जरूर करना, और आप भी जरूर करना भाई। बिल्कुल, हम तो पहले मुझे पता है आप गंदे कमेंट मारते हो ये वो, मगर आप प्लीज गंदे नहीं, मतलब गंदे नहीं वैसे वाले। मेरे को आप बताओ, खुद ब्लॉगर बोलते हो आप? वो आप हो, वो आप हो। चलो कोई बात नहीं, हमें आप खुश रहो। बताओ भाई क्या कह रहा है? मैं हूँ क्योंकि ये अपने इस नाम से चैनल स्टार्ट करने वाला है। ये झूठ बोल रहा है। ओबे ये तो मैंने आईडिया दे दिया, कोई ना कोई खोल लेगा चैनल अपना खुद ब्लॉगर के नाम से। ठीक है, बढ़िया बात तो है यार, ये बात भी सही है भाई। खोलो भाई, खोलो भाई, कह रहा है इस नाम से कोई चैनल नहीं है तो खोल सकता है कोई। बढ़िया है, मैं तो इसको बोला था तू भी देख ले, ज्यादा चलेगा। ये मान नहीं रहा, ये मेरा नाम ले रहा, खुद का बोल रहा था ये। नहीं भाई, हम इसी नाम से खुश है भाई। भाई कमेंट करके बताओ, इसका खुद ब्लॉगर होना चाहिए, बढ़िया रहेगा। ये सब नो में बताना। नहीं, हम इस नाम से ही ठीक है। तो मैं फिर बता देना कमेंट ना करके, बट फिर भी मैं इस नाम से खुश हूँ। कमेंट ना करके? कमेंट करके, कमेंट करके बोलना। हाँ तो कमेंट करके बता देंगे। ये मेरी छोटी छोटी बात ऐसे पकड़ता है, ऐसे मेरा सर बैठा हुआ भाई। यार हम नहीं पकड़ेंगे तो कौन पकड़ेगा ऐसी गलतियाँ? ठीक है, तो बताएंगे जब भी तो समझ में आएगी इसको कि गलतियाँ करता है तो हम इसको सुधारते हैं गलतियाँ। ये फिर भी नहीं मानता, फिर भी गलतियाँ पे गलतियाँ करता है और हम पे दोष मंड रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार सुधार करेंगे। ठीक है मास्टर जी? बिल्कुल। चलो मास्टर जी, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको ब्लॉग में जो भी अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।